नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। कल रात होते ही 9:09 पर किस तरह से लोगों ने उत्साह के साथ दीपक जलाए, हम पूरी तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मऊ नगर की पूरी तस्वीर है। किस तरह से 9 बजते ही, रात को बजते ही लोग अपने घरों के छतों पर और बालकोनियों में पूरे दीप और कैंडल जलाकर किस तरह से देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी परिचय दिया है, पूरा वाक्य दिखा रहे हैं हम मऊ नगर का, जहाँ पे लोगों ने भारी उत्साह देखा गया और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भी दीप दान किया। 9 मिनट हुए हैं, 9 मिनट होते ही पूरा शहर अंधकार में डूबा हुआ है और लोगों अपने घरों को निकल के मोमबत्ती और कैंडल जला रहे हैं और दिए भी जला रहे हैं, कई जगह पटाखे भी फोड़ रहे हैं। पूरे वायुमंडल पूरे पटाखों की आवाज़ की गूंज से शराबोर है। लोग अपने घरों के लाइटें बुझाकर अपने छतों और गलियारों में लाइट की रोशनियों से नहा उठा है पूरा मऊ, और ये पूरी परिदृश्य दिखा रहे हैं हम आपको, ये किस तरह से पूरे ये लोगों के घरों की परिदृश्य है, जहाँ पे लोग अपने दियो टिमटिमाते दिए के साये में हैं और पूरे टिमटिमा रहा है दिया, और रोशनी के आगोश में पूरा शहर एक बार फिर से समाहित हो गया है और पूरी तरह से सड़कों पे लोग निकल पड़े हैं, जहाँ पे हाथों में दिए और ये देखिए लोगों ने किस तरह से अपने घरों पर कैंडल और दीपक के से सजाए हुए हैं। लोग किस तरह से तारे, मानो पड़ रहा है कि पूरे आकाश से तारे इस धरती पर उतार आए हैं, उस तरह से नयनाभिराम दृश्य आप देखने को मिला। आपको हम दिखा रहे हैं, तहलका न्यूज आपको दिखा रहा है कल रात की ये तस्वीरें हैं, मानो पूरी आकाश से तारे टिमटिमाकर धरती पर उतार आए हों, ये पूरी परिदृश्य दिखा रहे हैं मऊ नगर का, जहाँ पे लोगों ने अपने छतों और बालकोनियों पे कैंडल और दीपक के पालाव से पूरे सुशोभित कर दिया, मानो पूरा एकता का परिचय देते हुए किस तरह से अपने घरों से निकलकर लोगों ने एक दीपावली की तरह उत्साह के साथ मनाया। वहीं दीपकों के रोशनी से चीरती हुई ये अंधेरा किस तरह से सुशोभित कर रही है, हम पूरी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों के गजब का उत्साह देखा गया। लोग अपने घरों से 9:09 पर जब बजा तो घरों के बालकनियों पर और छतों पर आकर दीप मालाओं से पूरे छतों को सुशोभित कर दिया। पूरा वाक्य है मऊ नगर का, जहाँ पे कल रात को 9:09 पर किस तरह से लोग अपने छतों पर, अपने घरों के छतों पर आकर दीप मालाओं से सुशोभित कर रहे हैं, पूरा प्रदृश्य दिखा रहा है तहलका न्यूज। ये देखिए किस तरह से मानो पूरा ही आकाश इस धरती पर चांद बन के उतर आया हो, तारे टिमटिमा रहे हो, उस तरह से नयनाभिराम दृश्य। ये देखिए इस बच्चे की किस तरह से तालियां बजा रहा है और थालियां भी बजा रहा है, पीट रहा है, किस तरह से उत्साहित लोग हैं। ये देखिए ये है मऊ नगर का शारदा नारायण अस्पताल, जहाँ पे किस तरह से पूरी दीपावली की तरह लोगों ने और डॉक्टरों ने और चिकित्सकों ने किस तरह से अपने घरों से अस्पताल के बाहर किस तरह से सजाया हुआ है, ये पूरी मंजर हम आपको दिखा रहे हैं शारदा नारायण अस्पताल का। ये देखिए मऊ SP पहुँचे हैं कोपागंज, और कोपागंज में किस तरह से पूरी थाने को सजा दिया गया है दीप मालाओं से, और मऊ SP पहुँच कर खुद दीप जलाए और पुलिसकर्मियों को भी संदेश दिया कि कोरोना से किस तरह से बचाया जा सकता है। पूरी दिखा रहे हैं ये प्रदेश पूरी दीपावली की तरह, बच्चे किस तरह से उत्साहित हैं, अपने हाथों में बचा हुआ पटाखा को फोड़ रहे हैं, दीपावली का रखा हुआ पटाखे को फोड़ रहे हैं, मानो संदेश दे रहे हैं कि पूरी दुनिया एक है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये दीपदान हो रहा है, कैसा आप लोग दीपदान कर रहे हैं? दीपदान ये पूरे समाज को एक सूत्र जोड़ने के लिए हो रहा है, कोरोना के खिलाफ का प्रदर्शन करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आप लोग साथ हैं, जो उन्होंने आह्वान किया है कि 9 बज के बिल्कुल उनके साथ पूरा दिन खड़ा है और हम लोग खड़े हैं। तो इस दीपदान का महत्व आप क्या समझते हैं, आप अपने तरीके से क्या विचार करते हैं इसके बारे में? दीपदान का महत्व सकारात्मक ऊर्जा पैदा करना समाज में, और जो लोग घरों में इतने दिन से बंद है उनमें एक सकारात्मक भाव पैदा हो और देश के समस्या के साथ मतलब जुझारूपन
दिखाना है। तो आपको लगता है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को एक समर्थन भी मिल रहा है? हाँ, समर्थन भी मिल रहा है और देश हित के लिए, समर्थन के लिए सब तैयार है। ठीक, धन्यवाद। दीपदान को लोगों ने दीपावली के त्यौहार की तरह लिया और घरों में बचे हुए पटाखों को लोगों ने खूब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसे। ये अद्भुत नजारा। आप देख सकते हैं कलकत्ता न्यूज पे केवल। देख सकते हैं किस प्रकार से ठीक है रिकॉर्डिंग होता है। घरों में, दीवारों पर, छतों पे, बालकनियों में लोग दीपदान कर रहे हैं।